हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट स्टडी में। और मेरा नाम है जितेन वर्मा और आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 23 अप्रैल के। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स आते हैं तो आपको इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। और आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर श्योर शॉर्ट स्टडी के नाम से, और आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। और आज आपको थोड़ी सी नॉइज़ देखने को मिल सकती है वीडियो में क्योंकि बारिश हो रही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारत प्रशांत महासागरीय पहल, इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव, ठीक है, के तहत भारत को ऑस्ट्रेलिया से कितनी राशि मिल रही है। ठीक है, तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो भारत प्रशांत महासागरीय इनिशिएटिव है, तो ऑस्ट्रेलिया इसको ग्रांट कर रहा है, इसको सहायता दे रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया कितनी राशि दे रहा है, 81.2 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख। 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो हमें कितनी मिल रही है इंडिया को, 81.2 मिलियन ऑस्ट्रेलिया से, यानी एक तरह से 8 करोड़ 12 लाख। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम कैपिटल की बात करें, तो वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, और अगर मुद्रा की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन मुद्रा है डॉलर, डॉलर। ठीक है, और अगर हम पीएम की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, तो ध्यान रखने हैं। भारत को 3 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, के किस निकाय के लिए चुना गया। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के सभी। तो भारत को तीन, जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो 3 बोर्ड है उसके लिए भारत को चुना गया है। तो एक है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि अपराध निवारण और आपराधिक न्याय पर आयोग के लिए। दूसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तीसरा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, तो इन 3 बोर्ड के लिए भारत को चुना गया, तो आपको ये ध्यान रखना है। और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है, यानी कि इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, मुनीर अकरम जो है वो इसके क्या है, प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, यानी कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर में यानी कि मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। 2021-22 में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22 में के रेटिंग ने भारत की जीडीपी वृद्धि के अनुमान को कितना प्रतिशत संशोधित किया है, यानी के रेटिंग ने फाइनेंशियल 22 के लिए भारत की जीडीपी कितनी बताई है, 10.2%। पहले उन्होंने बताई थी 10.7 से लेकर 10.9%, क्योंकि अब COVID-19 केसेस द्वारा बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने कितनी बताई है, 10.2%। और एक और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसको बोलते हैं ICRA, ठीक है, इन्होंने कितनी बताई है, इन्होंने बताई है 10.5%, 10 से लेके 10.5% तक इन्होंने बताई है ICRA ने। और केयर ने कितनी बताई है, 10.2%। ठीक है, और इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंडिया में। ठीक है, ICRA का भी और केयर रेटिंग का भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको अगर आपको ये जीडीपी के बारे में जानना है कि जीडीपी क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगले वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। 2025 में किस देश की रोसकोसमोस अंतरिक्ष एजेंसी अपना ऑर्बिटल स्टेशन शुरू करेगी, तो वो है रशिया। ठीक है, रोसकोसमोस किसकी है, रशिया की। अभी जो है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो किसका है, वो नासा का है, रोसकोसमोस का है जो कि रशिया की है, चाइनीज स्पेस एजेंसी का है, जाक्सा का है जो कि जापान की है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। अभी 5 स्पेस एजेंसी का है ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये कब लॉन्च हुआ था, 1998 में। अब 2025 में जो रशिया अपना अलग से लॉन्च करेगी। और अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्या है, रशिया के प्रेसिडेंट है। और करेंसी जो है यानी मुद्रा क्या है रशिया की, रूबल। और मॉस्को क्या है, इसकी राजधानी, मॉस्को जो है वो रशिया की राजधानी है। इसरो अपने अनुसंधान कार्यक्रम के तहत किस IIT की 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का समर्थन करेगा, वो है IIT दिल्ली। ठीक है, तो जो IIT दिल्ली के 8 रिसर्च प्रोजेक्ट है उनको इसरो सपोर्ट करेगा रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंडर। अब ये रिस्पॉन्ड प्रोग्राम क्या है, ये एक तरह का इनिशिएटिव है जो इसरो ने चलाया है ताकि वो जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है पढ़ाई के रिलेटेड, जो पढ़ाई में अच्छे इंस्टीट्यूट है जैसे कि IITs है, उनके साथ ये अपने
बॉन्ड जो इनके लिंक हैं उनको स्ट्रोंग कर सके, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रोजेक्ट करना हो तो इसरो उनके साथ मिलके कर सके। तो ये रिस्पोंड प्रोग्राम है, तो इसके तहत वो आईआईटी के एक प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। कौन? इसरो। ठीक है, और इसरो के प्रेसिडेंट कौन है? के सिवान। के सिवान जो है वो इसरो के क्या है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका आज के लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस विश्व स्तर पर हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस साल का जो थीम था वो क्या था? रीस्टोर अवर अर्थ। रीस्टोर अवर अर्थ ये साल का विषय था। ठीक है, इसका इंटरनेशनल मदर अर्थ डे था, इसको मनाया किसने है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये एक संस्था है यूनाइटेड नेशन की, इन्होंने बनाया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। नैरोबी कहाँ पर है? केनिया में। नैरोबी कहाँ पर है? केनिया में। ठीक है, और अगर इसके प्रेसिडेंट की यानी कि हेड की बात करें, वो कौन है? इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन जो है वो इसके हेड है। ठीक है, इंगर एंडरसन। और एक और ऐसी संस्था है सिमिलर जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और इसके जो हेड है यानी कि प्रेजिडेंट है, उसके डायरेक्टर जनरल है, उनका नाम क्या है? एच एम स्टेनर। एच एम स्टेनर ये जो है ये इसके हेड है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। चलिए आगे चलते हैं। अर्जुन कल्याण 68th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, वो किस स्टेट से है? वो किस राज्य से है? वो है तमिलनाडु से। ठीक है, और जो ग्रैंड मास्टर होता है वो किस में होता है? चेस में। ठीक है, चेस में होता है। और अगर हम आपको पूछ ले कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन कहाँ पर है, एग्जाम में आपको पूछ ले कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है लोजैन में। और लोजैन कहाँ पर है? लोजैन है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड जो देश है, स्विट्जरलैंड वहां पर है, लोजैन एक सिटी, वहां पर है वर्ल्ड चेस फेडरेशन यानी कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन। वर्ल्ड चेस फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? लोजैन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। हु हैज बीन चूजन एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन यानी कि रासायनिक हथियार के निषेध संगठन के लिए किस व्यक्ति को लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये कौन है? कैग है, इंडिया के कैग है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये, इनको चुना गया है। और अगर हम ओपीसीडब्ल्यू की बात करें यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इसका जो मुख्यालय है वो है द हेग में। द हेग में है ये, कहाँ पर है? ये है नीदरलैंड में। ये सिटी कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड एक देश है, नीदरलैंड वहां पर है इसका मुख्यालय, किसका? ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। और किसको चुना गया है भारी लेखा परीक्षक यानी कि एक्सटर्नल ऑडिटर, किसको चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये कौन है? ये इंडिया के कैग है, कैग होता है कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। किस कंपनी ने वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये सीधा क्वेश्चन है, किसने किया है? प्यूमा ने। तो आपको ध्यान रखना है, प्यूमा ने नियुक्त किया है किनको? वॉशिंगटन सुंदर को और देवदत्त पडिक्कल को। शंख घोष का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? वो थे पोएट, कवि थे वो, शंख घोष। तो ये आपको ध्यान रखना है, शंख घोष कौन थे? कवि थे। और अभी इद्रिस इद्रिस देवी का भी निधन हो गया है, ये कौन थे? ये थे प्रेसिडेंट थे, किस देश के राष्ट्रपति थे? ये थे चैड के, रिपब्लिक ऑफ चैड। चैड एक कंट्री है, चैड, उसके ये प्रेसिडेंट थे, इनका भी निधन हो गया है। और एक और एक्टर का निधन हो गया है जिसका नाम है किशोर नंदलकर, किशोर नंदलास्कर है, कोविड-19 के कारण इनका भी निधन हो गया। ये कौन थे? ये बॉलीवुड एक्टर थे, किशोर नंदलास्कर। तो और इद्रिस देवी कौन थे? ये थे प्रेसिडेंट, कंट्री किसकी? चैड, चैड देश के प्रेसिडेंट थे, इनका भी निधन हो गया है। और शंख घोष कौन थे? पोएट थे, कवि, इनका भी निधन हो गया। तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एक्सक्लूसिव सब्सिडी पॉलिसी फॉर यूरिया प्रोड्यूस थ्रू कोल गैसिफिकेशन रूट बाई TFL। वट इज TFL? तो सरकार क्या कर रही है? सरकार जो TFL एक कंपनी है जिसको बोलते हैं तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये जो कोयला प्रोड्यूस करती है उससे जो यूरिया उत्पन्न होता है, तो सरकार उसमें क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है।
ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कंपनी है जिसको बोलते हैं तालचर फर्टिलाइजर लिमिटेड। अब नेशनल स्टैटिक क्वेश्चन आ गया है, नेशनल पार्क बिहार में कौन सा है, तो बिहार में है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में है। बेटला कहाँ पर है, बेटला है झारखंड में, बेटला कहाँ पर है झारखंड में। और काजीरंगा और मानस, मानस कहाँ पर है, ये है आसाम में, ये है आसाम में। ठीक है, बेटला कहाँ पर है झारखंड में, और बिहार में कौन सा है वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेगी नई वीडियो में जो कि होगी 24 अप्रैल की। तब तक के लिए आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और जो मैंने होमवर्क दिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं उसका आंसर। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।